दोस्तों आप देख रहे हैं बाबा दर्शन न्यूज। बाबा दर्शन न्यूज से मैं इनामुल्ला खान। दिनारा प्रखंड में वांग्मय परिषद की एक बैठक हर रविवार को 2 बजे से 4 बजे तक होती है। उसमें बड़े बड़े लोग, शिक्षाविद, कवि और हर तरह के लोग आते हैं उस बैठक में। और उस बैठक का मतलब यही हुआ कि धर्म के प्रति कैसे आस्था होनी चाहिए, कैसे इंसान को रहना चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पर चर्चाएं होती हैं, कविताएं पढ़ी जाती हैं, लोग कविता पढ़ते हैं, दोहा पढ़ते हैं, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। समाज में कुरीति जो फैली है उसका सुधार किस प्रकार से, हमारे आने वाले पीढ़ी सभ्यता और संस्कृति के बारे में जाने, जिसको हम समझाने के लिए कविता, लेख, धार्मिक सदग्रंथ के कुछ बातें को मिला करके हम इस व्यवस्था से समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें कविता भी होता है, साहित्य से के माध्यम से भी करते हैं, अपने ग्रंथ उपनिषद से भी करते हैं, जिससे कि समाज में परिवर्तन हो सके। फिलहाल यह संस्था हमारे सहकारिता में भी जुट गया है, हम सहकारिता के अध्यक्ष हैं। और सहकारिता का मतलब ही होता है कि समाज के हर क्षेत्र में कोऑपरेट करना, सहयोग करना और सबको मिला जुला करके चलना। तो इस सभी लोगों को मिला जुला करके यह सहकारिता के माध्यम से यह भी कार्य संपन्न किया जाता है कि अपने अपने क्षेत्र में हर प्रकार का विकास हो। और मैं तारकेश्वर जी से जानना चाहेंगे कि ये सारे लोग दिनारा के हैं या के आउटर भी हैं, मतलब बाहर जी के नहीं, लोग हैं? ये सारे लोग दिनारा के नहीं हैं, दिनारा के इर्द गिर्द के गांवों के हैं, अगल बगल के गांव, दिनारा प्रखंड के लोग। जी हाँ, दिनारा प्रखंड के लोग हैं। और हम लोग चाहते हैं कि इस व्यवस्था का विस्तार अन्य प्रखंडों में भी हो। ये चाह रहे हैं आप? जी हाँ, यह चाह रहे हैं। अब हम कोऑपरेटिव के माध्यम से कोशिश करेंगे कि जैसे यहाँ भी जो है सो विस्तार हो रहा है। हम कुल मिलाकर के 46-50 आदमी का समूह है, हो सकता है कि आज संख्या बोल कम हो, लेकिन समूह 45-50 का है जो इसके मेंबर हैं, जो सदस्य हैं। हाँ, तो उसी तरह से हर जगह हो जिससे कि समाज में परिवर्तन हो सके, समाज को एक गाइडलाइन मिल सके कि कैसे हमको रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, हमारी पुरानी संस्कृति क्या थी, किस तरह से हम किसी भेदभाव के एक साथ मिल करके रहते थे, अमन चैन शांति थी, अब समाज में यह विकृति क्यों आई और इसको कैसे सुधारा जा सकता है, इस पर जो है सो परिचर्चा होती है। बहुत बहुत आप इस संस्था के अध्यक्ष हैं लक्ष्मण चौबे जी, आप भी अच्छा बारे में कुछ बताइए। सब जो हर हर रविवार को होता है वांग्मय परिषद दिनारा रोहतास, आज ही से नहीं बल्कि बहुत दिनों से, करीब करीब 20-25 साल से चला रहा है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसका बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है। और हम आज से नहीं बल्कि हम शिक्षक थे, हम सेवानिवृत्त हुए उसके बाद से ही इसके अध्यक्ष हैं, है ना बात। और मैं चाहता हूँ कि मैं रहूँ या न रहूँ, लेकिन वांग्मय परिषद हमेशा चलता रहे, क्योंकि सबकी तरक्की हो, सबका आपस में सौहार्द हो, सबका प्रेम बढ़े और हम लोग जो हैं भगवान के पास पहुँचे। जात पात या ऊंच नीच या किसी तरह के राजनीति से हम लोग दूर उठ कर के और ऐसा समाज बनावें, क्योंकि जिस समाज से सब लोग का कल्याण हो और हम लोग साथ ही साथ विकास सबका हो, सबका सम्मान मिले और सबका सम्मान मिले और इस दिनारा की धरती को भी पूरा नाम रोशन किया जाए। और इसमें बहुत पहले हमारे कमल नयन दुबे थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है और हम लोग चाहते हैं, या और लोग भी थे, उनका तो बहुत बड़ा बड़ा योगदान है। हम लोग चाहते हैं कि भाई कम से कम यहाँ नाम रहे, आदर्श एक रहे कि भाई दिनारा में इस तरह का कार्यक्रम हर रविवार को 2 बजे से 4 बजे चलता है। और निश्चित रूप से अपना काम छोड़ करके, सब जो है संसार की बातों को छोड़ करके और आस्था लगाकर धर्म में, कविता में, लेकिन इसमें
उम्र के भी का कोई की बात कोई नहीं है। ये नहीं कि केवल लड़के भी रह सकते हैं, विद्वान भी रह सकते हैं, कवि भी रह सकते हैं, हाँ साहित्यिक में हर तरह के लोग इसमें आवे और अपना विचार दें और सबके विचार से हम लोग कुछ नई चीज खोजे जिससे समाज का कल्याण हो, समाज का विकास हो। बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। मैं कुछ बोलिए जी। हाँ, सिया राम मैं सब जग जानू, सब में राम समाया है, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। जितने हैं संसार में प्राणी सब में ही एक ज्योति है, एक कहीं बाग के फूल हैं सारे, एक माला के मोती हैं, एक कहीं कारीगर ने सबको एक मिट्टी से बनाया है, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। एक पिता के बच्चे हैं हम, एक हमारी माता है, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता है, झूठे जग के स्वार्थ नहीं लड़ना हमें सिखाया है, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। ऊंच नीच अरु भेदभाव के सब दीवारों को तोड़ो, राग द्वेष सब निंदा चुगली बुरी आदतों को छोड़ो, जागो और जगाओ भैया संतों ने समझाया है, सदगुरु ने समझाया है, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया है। सत्य प्रेम की वाणी बोलो, सबका ही सम्मान करो, हरि से चाहो प्यार कर तो मिल करके गुणगान करो, मिल करके गुणगान करो, सिया राम में सब जग जानू, सब में राम समाया है, कर लो सबसे प्यार जगत में कोई नहीं पराया है, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया है। जय हिंद। अरे जे करे दुआरे या तरे खोतरे या हराया तिथि का जोराया नहीं घर नहीं मथानी बजाय जे करे संझवा सतसंग सुनाया नहीं बाल गोपालन के खेलल कुरुता गम छाधुरिया नहीं तो धन लाख तिजोरी में बंदा करा जिंदगी के आनंद भेटायल नहीं जे करे घरवा बहुआ ससुआ जी के भोर ही पावा छुआयल नहीं छोटका बड़का के न पावा छुआ बड़का देखी कहिया गरायल नहीं हे बड़का देखी के या गरायल नहीं धन धरे के हुए कतनो जो समाज में आदर पायल नहीं तो धन लाख तिजोरी में बंद कर जिंदगी के आनंद भेटायल नहीं बहुत्र मूर्ते सहस्त्र पादा छिछुरो रुहावे सहस्त्र नामे पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारणी नमः सहस्त्र कोटि युग धारणी नमः खुदा के हाथ सौंप दी जिसने अपनी अमानत को खुदा के हाथ उठ जाते हैं खुद उन्हें ही हाजत को भूतगाधि सेवितम कपित्यम वो फल चारु भक्षणम मासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम नमो विश्व सुजीत पूर्व विश्व प्रधानमंत्री बते अथ विश्व साहित्य कैसे भइल मानुष महान ए सुन लोगे कैसे भइल मानुष महान ए सुन लोगे जीभ से न पानी पिए नख न नोखिला ए सुन लोगे तब कर इहे मांसाहार ए सुनालोगे आनंदमय ओम रहे भागते हम फूलों की खातिर मगर खार खाए हैं पांवों के नीचे सबक जिंदगी का पढ़ा जीत जीते समझते ते सदा बदनसीबी
का पहरा ही देखा रही सोती किस्मत मेरी आँख नीचे सबक जिंदगी का पढ़ा जीते जीते समझते समझते कई साल बीते नहीं थे मुकद्दर में अमृत के प्याले नहीं थे मुकद्दर में अमृत के प्याले गई उम्र सारी जहर पीते पीते सबक जिंदगी समझते समझते कई साल बीते मगर रब की मर्जी में कमल की खुशी है मगर रब की मर्जी में कमल की खुशी है खिलाड़ी खिलाड़ी है खेलेंगे हारे या जीते खिलाड़ी है खेलेंगे हारे या जीते सबक जिंदगी का पढ़ा जीते जीते कई वर्ष बीते समझ जाएगा एक मिनट एक में अच्छा भाई एक चलिए जीरो जीरो वाले पानी के हमारे आधा मिनट चलिए भगवान पर आस्था वाह भगवान पर अंधविश्वास जरूर रखना चाहिए। इसमें एक कहानी है जय साहब की। एक गरीब भगवान के भक्त थे जो मंदिर में पूजा करते थे। क्या हुआ कि एक दिन उनकी घर शादी लगी बेटी की उनकी राजा के भय हो चुका था। कहा कि एक सीट यहाँ से महाजन का आके लाए तो गया सीट यहाँ से महाजन का आके लाया। शादी ब्याह बहुत बढ़िया संपन्न हुआ। जब शादी भी हो गया तो उन राजा चल गया कमाने के लिए। चार पाँच बजे से कमा के आया। कहा कि पिताजी पैसा लीजिए हमको लौटा आइए। तो सेठ जी के पास जाकर दे दिया पैसा। तो सेठ जी के दिए कि सब पैसा चुकता इतना पैसा दिए थे तो सब चुकता हो गया। तो कहे कि पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। तो कहे कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं रघुनाथ जी जाने कि क्या आप लिखे हैं। तो कहा कि खड़ के पर्ची बदल दिया। कहा कि अभी तक हमारे सब सभी हिसाब बाकी है और पर्ची है उसी में रखना। वो घर गए सात दो वर्ष के बाद नोटिस किया कि हमारा पैसा भाई काफ़ी है दीजिए। तो हमारे सब पैसे तो हम दे दिए हैं इतना पैसा कहाँ दिए हैं दिखाइए। तो पर्ची पर सब बाकी है पंचायत जी का कहना हम सब दे दिए हैं और अब ना दी जाए। वो जाकर केस कर दिया नोटिस हुआ उस व्यक्ति के पास। जब नोटिस हुआ तो कोर्ट में जाकर हाजिर दिया भाई सब पैसा हम दे दिए हैं। तो उधर से पूछिए कि कहीं बताइए कि आप सब पैसा दे दिए हैं तो वहाँ पर कोई था। कहा कि हम लोग तीन आदमी थे एक हम थे एक सेठ जी थे और एक हमारे रघुनाथ जी थे। तो यानी भाई रघुनाथ जी कोई आदमी के नाम होगा तो उनके नाम से पर्चे तू काट दिया पकड़ाता है तब भी लोहाई नोटिस नोटिस हो गई। तो गांव में गया उनके तू कर्मचारी लेकर भाई रघुनाथ जी कौन है पूरे गाँव में घूम के रघुनाथ जी नाम कोई नहीं था। एक आदमी कहा कि रघुनाथ जी के मंदिर है जरूर वहीं पर चल जाए। मंदिर के पास गए बोले कि रघुनाथ जी हैं हैं। और जो पुजारी थे कहे कि रघुनाथ जी तो मंदिर में हैं। वह कहे उदाना कोई आदमी होगा वो पर्ची उनको दे दिया तो चला जाए रघुनाथ जी के दरबार में रख दिए भगवान के दरबार में। जिस दिन गवाही था उस दिन वर्मा से घोड़ा पूछा वर्मा कपड़ा वो पहना दिया भगवान से कहा कि आज आपको गवाही देने चला है हमारी आस्था मत तोड़िए। और चला गया कोर्ट में खड़े लेकर घरा में पुकार हो रहा है रघुनाथ जी हाजिर हो। तीन चार बार पुकार हुआ तो उधर से वृद्ध व्यक्ति डंडा लेकर कपड़ा में कपड़ा पहनकर उधर से आए आगे घर में खड़ा हुए।
कहा कि भाई जब बताइए शेख जी पैसा जब दिए हैं तो क्या वहाँ पर शेख जी को पैसा लौटाया गया तो क्या आप वहाँ पर थे? तो भाई कहाँ थे, ये पैसा दे दिए हैं? तो कहा कि पैसा दे दिए हैं फलाना पेज नंबर में, रामायण वाले किताब में फलाना पेज नंबर में पर्ची है। तो भाई वहाँ से उसी समय कर्मचारी भैया जाकर देखिए पर्ची कहाँ है, रामायण में खोला तो सिर्फ पर्ची था, उन्हें कर्मचारी को दिया और उसके बाद उनको बरी कर दिया और चले गए और उसे को जेल हुआ। तो जज महा से काफी भाई उनसे पूछे बिहारी थे, अरे भाई कौन थे? तो ये रघुनाथी थे। कौन से दूर थे, कहाँ रहते हैं? हमारे मंदिर में रहते हैं, रोज इनका पूजा करते हैं। तो अपना जीवन में गए, घर पर गए थे एकदम अपने रूम में जाकर रोने लगे। जैसा उनकी पत्नी पूछी क्या बात है, कहीं रो रहे हैं? तो रघुनाथ याद है उनका दर्शन हो गया, बहुत बड़ी बात है, भगवान से दर्शन हो गया। वो इस बात के नहीं रो रहे हैं जो संसार के जजमेंट करने वाले हमारे दरबार में आए और कटघरे में खड़ा रहे और कुर्सी पर चुपचाप हम बैठे रहे, इस बात के लिए हम रो रहे हैं। और उसी समय रिजाइन दिए अपना और जाकर वृद्धावन में जाकर सिलेंडर बोल दिए और आज आदि दस आगे वहाँ गली में घूमते रहते हैं। इसलिए अगर भगवान विश्वास हो हमारे जीवन में कोई कष्ट आदि धन्यवाद। सुना देते हैं कंचन के काया जानी माटी के लागे मो, कंचन के काया जानी माटी के लागे मो, एक दिन अचके में काल भी जाएगी। टूट परी टोला परोसा है मौके पर, डारा के तागा के तार तोड़वाएगी। टूट परी टोला परोसा है मौके पर, डारा के तागा के तार तोड़वाएगी। झंखत रह जाई कमाई जिंदगी भर के, हाथ में ना कोई कानी कौड़ी थमाएगी। तो भजन एक सार संसार बीच सार है, भजन एक सार संसार बीच सार है, सच्चाई जाननी चाहिए कि हमें अजाने की संसार में क्या है। आ करके एक चौराहे पर बैठिए, कोई उत्तर से आता है कहता है बैंक जा रहे हैं, कोई दक्षिण से आता है तो कह रहा है कि हम सामान खरीदने के लिए जा रहे हैं, कोई एक तरफ से आता है तो कहता है कि हम कोर्ट जा रहे हैं, कोई एक तरफ से आता है तो कहता है कि स्कूल जा रहे हैं। सभी लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं। जो कह रहा था कि हम कचहरी जा रहे हैं तो संत जी ने सोचा कि हम चले कचहरी, देखे कचहरी में क्या है। गए कचहरी में तो एक आदमी बैठे हुए थे, उनसे पूछा ये बताइए कि आप क्यों यहाँ आए हैं? जानते नहीं है मुकदमा है, पैसा मुकदमा, तो दोनों भाई आपस में मारपीट किए थे उसी में मुकदमा हो गया है, उसी में आए हैं। कहते या जज साहब वहाँ उपस्थित है? तो नहीं, तो जब ये उपस्थित थे ही नहीं, ये कुछ देखबे नहीं किए, तो इनके की यहाँ जजमेंट के लिए क्यों आ रहे हैं? मारा मारी झंझट के आप दोनों भाई हैं, आप फैसला लेने आए हैं जो वहाँ उपस्थित नहीं था। इतने में राम नाम सत है करते हुए एक आदमी को लेकर के लोग जा रहे थे। कहे कि भाई हम भी चल चले इन लोगों के साथ, तू भी राम नाम सत करते करते जो है सब चले गए घाट। जब घाट पर गए तो वहाँ देखते हैं कि उनको इधर से लोग राम नाम सत है करते हुए जा रहे थे, जहाँ उनको उठा करके चिता पर रखा गया तो काम काम सत्य है वो लोग अपना कहना शुरू कर दिया, ऐसे थे वैसे थे, ये करना था वो करना था वो करना था। और आलिशान बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन जहाँ उनको अब रहना है, मरे हुए व्यक्ति को जहाँ रहना है वहाँ ना घर है ना द्वार है ना फूस है ना मरण है, वहाँ कुछ नहीं। अब जो है सो लौट करके आए
तो उनसे दूसरे महात्मा ने पूछा कि आप जीवन की सच्चाई जानने के लिए गए, आप बताइए कि क्या देखे क्या जाने। तो कहे कि हम यही देखे कि सारे लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त हैं, परमात्मा से किसी का कोई लगाव नहीं है, मरने के बाद में उसके गुण अवगुण की ही चर्चा होती है, और जहाँ अंतिम विश्राम करना है वहाँ कोई एक ताला भी नहीं है, पांच ताला की तो बातें हैं। कर्म हम करते हैं, जजमेंट दूसरा देता है। यहाँ हम कर्म कर रहे हैं लेकिन फैसला देने वाला दूसरा है। यही जीवन की वास्तविकता है। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के आइकॉन को दबाइए।